सो हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ ये रनिंग पेंसिल इस तरीका का आप किस तरीका से बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये चाहे आपका गेमिंग चैनल हो या फिर कैसा भी चैनल हो, टेक का हो या फिर ब्लॉगिंग का हो, आप सब में लगा सकते हैं। चाहे आपका कॉमेडी का क्यों ना हो, आप सब में लगा सकते हैं इसको, और आप उसी तरीका से भी नाम लगा सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए वो चलना होगा मुझे मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर टैक्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, उसके लिए मुझे चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने काइन मास्टर में। दोस्तों, आपको एक लिंक देखने के लिए मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक से एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना या फिर बाद में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद 16:9 का इसका सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, वो टेम्पलेट डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो उस टेम्पलेट को मैंने डाउनलोड कर लिया, और यहाँ से मैं वो टेम्पलेट ले लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ से वो टेम्पलेट ले लेता हूँ मैं, डाउनलोड में वो होगा टेम्पलेट, यहाँ पे ये है टेम्पलेट, इसको मैंने ले लिया। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा कर लिया। दोस्तों, यहाँ पे मैं चला कर दिखाता हूँ पहले। दोस्तों, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से थोड़े हम कट कर देते हैं इसको। और फिर आपको दोस्तों क्या ध्यान करना होगा, जहाँ पे ये जो हमारा ये टेम्पलेट आता है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे आपको रोकनी है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने चैनल का लोगो ऐड करना है। चैनल का लोगो ऐड करने के लिए आपको लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से अपना चैनल का लोगो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ चैनल का लोगो, और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा काट देता हूँ, बड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, मैंने इसे काट दिया। दोस्तों, काटने के बाद थोड़ा और इधर करते हैं हम, यहाँ पे करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है। ये होने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ओके ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर को स्वाइप करना है, और यहाँ पे आएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद इसे राइट कर देना है। अब दोस्तों, मैं चला कर दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है इस तरीका से। आपको इन एनिमेशन देना होगा इसमें। इन एनिमेशन देने के लिए यहाँ पे इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला एनिमेशन देना है, और आपको बिल्कुल एकदम कम कर देना है। 0.5 भी चलेगा ये, और ये भी बिल्कुल मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं चला कर देखता हूँ। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीका का ये लग रहा है। दोस्तों, फिर आपको अब रह गई इसके कलर की बात, कि हाँ भाई इसके कलर हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, लेयर के ऑप्शन पर जाना है। लेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ पे ये आएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में कर देना है, और इसके बराबर कर देना है इसको। यहाँ पे हमने इसके बराबर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आप कलर करना चाहें इतने कर सकते हैं। तो वहाँ पे कट लगा दीजिए हर बार, जितने भी आप कलर करना चाहें। और यहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा देता हूँ। मैंने ये चार कर लिए। फिर दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर से बिल्डिंग पर जाना है, और यहाँ पर ओवरले पर क्लिक कर देना है। ये सब पे ही ऐसे कर लेना है। दोस्तों, मैंने कट पहले कर लिया, तो ओवरले पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ओवर लें, और इसको जो है बराबर कर देना है। इसके करने के बाद फिर आपको दोस्तों, ये ब्लैक हो गया, लेकिन हमें ब्लैक नहीं करना, कलर और करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कलर पर जाके कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से कलर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने ये लाल कर लिया, इसको मैं कर लेता हूँ हरा, इसको मैं कर लेता हूँ हरा, इसको मैं कर लेता हूँ नीला, यहाँ पे नीला कर लिया।
इसको मैं कर लेता हूँ गुलाबी। ये और अब मैं चलाकर दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ किस तरीका का ये बना है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीका से बना सकते हैं। फिर आपको सेव करने के लिए शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसे सेव कर लेना है। ये एक्सपोर्ट पे आ रहा है, यहाँ पे क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे हमारा इंट्रो बन चुका है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीका का बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।